students, I hope you will be fine. Today, our English lecture number 6, the topic is adverb and paragraph writing. Define adverb. Adverb क्या होता है? The words which tell us more about verbs are known as adverbs. यानी कि ऐसे अल्फाज जो कि हमें वर्ब के अंतर्गत और ज़्यादा तफसील से बताएं वो एडवर्ब कहलाते हैं. एडवर्ब्स टेल हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई. एडवर्ब्स जो है वो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ. ओके, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, सेपरेट वर्ब एंड एडवर्ब. ये हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने इनमें से वर्ब और एडवर्ब को सेपरेट करके लिखना है. फर्स्ट सेंटेंस है द टर्टल वॉक स्लोली. कछुआ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है. अब देखिए इसमें वर्ब क्या है. वर्ब है वॉक, चलना जो है वो उसका काम है, फेल है उसका. कैसे चलता है वो है एडवर्ब स्लोली. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चलता है. इसमें वर्ब है वॉक और एडवर्ब है स्लोली. नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही डज द होमवर्क केयरफुली. वो अपना काम जो है, होमवर्क जो है वो बड़े एहतियात से करता है. अब देखिए होमवर्क करना, करना जो है वो क्या है, वर्ब. और केयरफुली, मुहतात होकर, अच्छे तरीके से, वो है एडवर्ब. नेक्स्ट सेंटेंस देखें, यस्टरडे आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड. कि कल मैंने अपने फ्रेंड को, दोस्त को खत लिखा. इसमें वर्ब क्या है, रोट. और एडवर्ब क्या है, कब लिखा. तो ये आ जाएगा कल लिखा, यस्टरडे जो है वो है एडवर्ब. नेक्स्ट देखें, द बिल्डर्स बिल्ड अ वॉल स्किलफुली. के माहिर तमीर ने एक दीवार जो है वो बड़ी महारत से तमीर की. इसमें क्या है वर्ब, काम उसका क्या है, बिल्ड करना यानी कि बनाना. तो कैसे बनाई इसने, बड़ी महारत से, स्किलफुली जो है वो है एडवर्ब. नेक्स्ट सेंटेंस है, शी गोज़ टू स्कूल रेगुलरली. वो रोज़ाना या बाकायदगी से स्कूल जाता है. इसमें जाना जो है वो उसका फेल है, ये है वर्ब गोज़. और रेगुलरली जो है वो है उसका एडवर्ब. यानी कि हमें और ज़्यादा तफसील से वर्ब के मुतल्लिक पता चल रहा है, तो ये है एडवर्ब. नेक्स्ट देखें, अंडरलाइन द एडवर्ब्स. हमें ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने इनमें से जो एडवर्ब है उसको अंडरलाइन करना है. देखिए, द टीचर क्रॉसली टू वन ऑफ द बॉयज. इसमें एडवर्ब क्या है, क्रॉसली. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में है, द बॉय स्पोक पोलाइटली टू द टीचर. कि लड़का जो है वो बड़े नरमी से टीचर से बात करता है. पोलाइटली जो है वो है एडवर्ब. द डॉग एट हिज डिनर क्विकली. कुत्ता जो है वो बड़ी तेज़ी से डिनर करता है. क्विकली जो है वो है एडवर्ब. द बॉय स्मार्टली. इसमें स्मार्टली जो है वो एडवर्ब है. नेक्स्ट देखें, राइट एडवर्ब्स इन द स्पेसेस. हमने ये एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसमें से अपने वर्ड्स जो हैं वो सेंटेंस के मुताबिक चूज करके हमने यहाँ पे राइट करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है, ट्रीज गो. दरख्त जो है वो बढ़ते हैं. हाउ, अब देखें ये कैसे हमें बताना है कि कैसे बढ़ते हैं. तो हमने इन हेल्प बॉक्स में से देखना है कि कौन सा वर्ड जो है वो इस सेंटेंस के मुताबिक सूटेबल है. तो कैसे बढ़ते हैं दरख्त, स्लोली, आहिस्तगी से, आहिस्ता आहिस्ता. तो हम यहाँ पे स्लोली राइट करेंगे. नेक्स्ट है, यू विल डू इट व्हेन. आप ये काम करेंगे, कब करेंगे ये हमने बताना है. ये हम आज करेंगे. टुडे जो है वो हमने हेल्प बॉक्स से लेकर यहाँ पे राइट कर दिए हैं. पुट माई पेंसिल वेयर. मेरी पेंसिल यहाँ रखें. वेयर कहाँ रखनी है, तो ये हमने बताना है कि यहाँ रखें. हेयर लगाएंगे यहाँ पे. उसके बाद है, वाई आर यू कमिंग लेट. आप जो है वो लेट क्यों आ रहे हैं. ठीक है, हमने क्यों की रीज़न बतानी थी, तो हम यहाँ से हेल्प बॉक्स में से वाई यहाँ पे राइट करेंगे. उसके बाद है, सना स्टैंड्स सेकेंड इन द एग्ज़ाम. सना जो है वो एग्ज़ाम में किस नंबर पर आई, वेयर. तो हमने यहाँ से सेकेंड जो है वो सेकेंड आई है सना. उसके बाद है, थिंक हाउ केयरफुली बिफोर योर आंसर. कोई भी किसी भी बात का आंसर देने से पहले सोचें कैसे, केयरफुली, मुहतात होकर, मतलब उसका आंसर पहले अपने माइंड में अच्छे तरीके से लाएं, फिर उसका आंसर दें. नाउ स्टार्ट आवर सेकेंड टॉपिक, पैराग्राफ राइटिंग.
तो स्टूडेंट्स ओपन वर्कबुक पेज नंबर 69 हैव यू ओपन। इसमें हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने इसके उन सेंटेंसेस के आंसर जो हैं वो यहाँ पे राइट करने हैं, वो एक पैराग्राफ की सूरत में हमने यहाँ पे राइट करना है। देखिए सोनू जो है, फर्स्ट सेंटेंस है सोनू, वेयर आर सोनू एंड हिज फादर, कि सोनू और उसके फादर जो हैं वो कहाँ हैं। तो ये देखिए हमने इनका आंसर यहाँ पे राइट किया, सोनू एंड हिज फादर आर सिटिंग इन द रूम। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फादर डूइंग, कि फादर जो है वो क्या कर रहे हैं। हिज फादर इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, वो अखबार पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज सोनू डू, सोनू क्या कर रहा है। सोनू इज़ होल्डिंग द कैट्स टेल, सोनू जो है वो कैट की बिल्ली की जो टेल है वो पकड़े हुए है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज द कैट डू, के कैट क्या कर रही है। आप देखें सोनू जो है वो उसकी टेल को पकड़े हुए है और कैट जो है वो चला रही है, मतलब वो देख रही है कि मुझे ये छोड़ दे, उससे छूटने के लिए वो कोशिश कर रही है। सोनू इज़ पुलिंग द कैट, सोनू जो है वो उसकी कैट को खींच रहा है। एंड द कैट इज़ क्राइंग, और कैट जो है वो चला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज फादर से, तो उसके फादर जो है वो उसे क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हिज फादर सेज डोंट पुल द कैट, के कैट को मत खींचो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डज सोनू से, सोनू उसके आगे इसके आंसर में क्या कह रहा है। इट हर्ट्स द कैट, सोनू का फादर जो है वो उसे कह रहे हैं कि कैट को मत खींचो, इससे कैट जो है वो ज़ख्मी हो जाएगी। सोनू आगे से क्या रिप्लाई करता है, सोनू कहता है सोनू सेज ही इज़ पुलिंग विद कैट, सोनू कहता है कि मैं तो सिर्फ कैट से खेल रहा हूँ। ये था वर्कबुक पेज नंबर, ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 था। इसमें हमने क्वेश्चंस के आंसर दिए, पैराग्राफ की सूरत में हमारा ये पैराग्राफ भी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन आपको बता देती हूँ, वो था व्हाट डज सोनू से, सोनू क्या रिप्लाई करता है, सोनू क्या कहता है। सोनू अपने फादर के आंसर में जवाब देता है सोनू सेज ही इज प्लेइंग विद कैट, सोनू कहता है कि मैं कैट से खेल रहा हूँ। ही इज़ प्लेइंग विद कैट, वो कैट से खेल रहा है। आई होप आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर स्टूडेंट्स इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो इस लेक्चर को बार बार देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।